स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुज जब से घर छोड़कर जा चुका है, अनुपमा की हालत बहुत खराब है। अब अनुज की यादें और छोटी की यादें ही उस घर में है, जिसको देख देख कर अनुपमा को और भी बुरा लग रहा है। वो बार बार हर जगह देखती और बस यही सोचती, मैं इस घर में सिर्फ अनुज और छोटी की वजह से थी। अब ना यहाँ अनुज रह गए हैं और ना ही छोटी है, तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँ। छोटी और अनुज अनुपमा की दुनिया हुआ करते थे, अब जब वो ही नहीं है तो अनुपमा एकदम अकेले हो गई है। कपाड़िया मैंशन की चार दीवारों में अब अनुपमा का बिल्कुल मन नहीं लग रहा, इसलिए अब उसने सोचा है कि वो भी घर छोड़कर चली जाएगी। कहाँ जाएगी, किसके साथ जाएगी, किसके पास जाएगी, उसे खुद कुछ नहीं पता, लेकिन वो अब इस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि जितना वो यहाँ रहेगी उसे अनुज और छोटी दोनों की याद सताती रहेगी और वो ऐसे अनुपमा को जीने नहीं देगी। इन दोनों की यादें अनुपमा को ले डूबेंगी। इन्हीं सब के चलते अनुज के बाद अब अनुपमा भी कपाड़िया मैंशन को छोड़ देगी। अनुपमा निकल पड़ेगी एक ऐसे सफर पर जिसके बारे में अभी वो खुद भी कुछ नहीं जानती। कहाँ जाएगी अनुपमा, किसके भरोसे वो घर छोड़कर निकली है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उस घर में अनुपमा एक दिन एक सेकंड भी नहीं रह पा रही। इसलिए अनुपमा ने यही फैसला किया कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। अनुज और छोटी के बिना उसकी दुनिया वैसे भी अधूरी है, लेकिन ऐसे में आखिर कौन होगा जो अनुपमा का हाथ थामेगा? क्या इसका मतलब ये कि अब अनुपमा के आंसू और नहीं बहेंगे? क्या इसका मतलब ये कि अब अनुपमा की जिंदगी में अनुज के अलावा कोई और आने वाला है? या इसका मतलब ये कि छोटी अनुपमा को बहुत जल्द मिल जाएगी? आखिर कौन होगा जो इस मुश्किल घड़ी में देगा अनुपमा का साथ? जानने के लिए सीरियल ज़रूर देखते रहें, और उससे पहले हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि हर अपडेट हम आपको यहाँ देते रहेंगे।